अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जहां पर कुछ मुल्क ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से ये ऑफर करवा रही हैं कि आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तानियों को वीज़ा ही नहीं दे रहे। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी एम्बेसी हैं जो ओपन है, लेकिन आप नया वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, नए वीज़े की अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते। ये पाकिस्तानियों की सूरत हाल हो चुकी है। अब एक और मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों के लिए अपना जो वीज़ा फ्री है वो टोटली बंद कर दिया है। ऑन पेज आपको यही दिखाई देगा कि इस मुल्क का वीज़ा फ्री है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आपको फ्लाई ही नहीं करने दिया जाएगा और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से होकर इस कंट्री चले जाते हैं तो आपको वहां पर भी एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी बंदा इस कंट्री जा रहा है वीज़ा फ्री, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों ये कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया ने रिसेंटली ही पाकिस्तानियों के लिए अपना वीज़ा फ्री ओपन किया था, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा फ्री एंट्री के ऊपर इस कंट्री में पहुंचे हैं कोई भी पाकिस्तानी वापस नहीं आया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस कंट्री ने अपना जो वीज़ा फ्री ओपन किया था सिर्फ तकरीबन 8 या फिर 10 महीने चला होगा ये वीज़ा ऑन अराइवल, तो इसको भी बंद कर दिया है कोलंबिया ने। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं जो कोलंबिया जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं या किसी भी और कंट्री से जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं अगर आपके पास कोलंबिया का वीज़ा नहीं है, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आपको कोलंबिया में एंट्री नहीं दी जाएगी। कोलंबिया का वीज़ा हालांकि बिल्कुल फ्री था, लेकिन इस वक्त टोटली अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो न्यू पासपोर्ट इंडेक्स है उसकी रैंकिंग आई थिंक नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, आई थिंक 13 सितंबर को आएगी रैंकिंग उनकी, ऑफिशियल जो रैंकिंग है उसमें आप देखेंगे कि जो कोलंबिया है उसका वीज़ा रिक्वायर्ड हो जाएगा पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए। अभी फ़िलहाल वीज़ा जो है वो फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है, तो फिर भी आपको जो एंट्री है वो नहीं मिलेगी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान के सिटीज़न हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, मंगोलिया के सिटीज़न हैं और काफ़ी ज़्यादा अफ्रीका के सिटीज़न हैं जिनको ये ऑफ़र जो है वो टोटली कैंसिल कर दी गई है। वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।